What's up, people, and welcome back to another episode of tonight's special. और ये वीडियो मेरा फर्स्ट एक्चुअल रेसिपी वीडियो होने वाला है. और जैसा कि इंडिया में कहते हैं कि हर शुभ काम की शुरुआत कुछ मीठे के साथ होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी जो बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, बच्चों को पसंद होती है. इसलिए मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी जो हर किसी को पसंद होती है ऑलमोस्ट, एंड स्पेशली इफ यू आर अ चॉकलेट लवर यू आर गोना लव दिस रेसिपी. एंड द नेम ऑफ द रेसिपी इज द चॉकलेट फज ब्राउनी. यस, तो मैं कुछ भी ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपी बना के स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं ऐसी रेसिपी बना रहा हूँ जो आई होप आप सबको पसंद आए, आप सब लोग इंजॉय करें. इट इज ईजी एंड सिंपल टू मेक, एंड दिस इज गोना बी द बेस्ट चॉकलेट फज ब्राउनी यू विल एवर टेस्ट. ट्रस्ट मी, इसे ट्राई जरूर करिएगा, बनाइएगा. ऑफकोर्स इसके लिए अवन लगेगा, बट नाउ एवरीबडी इज एक्सपर्ट. यू कैन यूज सो मेनी अदर थिंग्स टू एक्चुअली प्रिडिक्ट एन अवन, और हम उसके बारे में बात करेंगे. बट फॉर नाउ, बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर प्लीज इस वीडियो को, अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस रेसिपी को, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज गोना बी द बेस्ट रेसिपी एवर. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. मैंने कि जैसा बोला था कि बहुत ही कैजुअल स्टाइल ब्लॉगिंग होगी, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू गाइस. तो इसीलिए फॉर द इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्ट क्वांटिटी कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना मैंने यूज किया है, रिफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड एज फार एज फॉलोइंग द रेसिपी इज कंसर्न्ड, यू गाइस कैन फॉलो अलॉन्ग. सो मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी हैं. आई एम गोना गिव यू अ लिटिल क्विक वॉक थ्रू, एंड उसके बाद वील स्टार्ट कुकिंग. ओके, अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो इसका प्रेप टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होगा. तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सिंग बो, आई हैव अ स्पैचुला जिसका सिलिकॉन टिप है ताकि बेकिंग में बहुत ईजी रहता है, चॉकलेट चिप्स, डार्क एंड मिल्क. यहाँ पे है ऑल पर्पज़ फ्लावर एंड कोकोआ पाउडर, अ सिफर, 3 eggs, हाफ कप बटर, ग्रैनुलेटेड शुगर, ब्राउन शुगर, सम choco chips, vanilla essence, and I have the baking tray. ये baking tray 8x8 की है, 8 inch by 8 inch. You can use whatever. एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपका baking tray का size different है तो baking time भी different होगा, which is quite obvious. तो उसके according you can always test your brownie and see. Okay? So let's start cooking up the ingredients now. Okay, so I have whisked my granulated sugar, brown sugar and eggs. So unko whisk karne ke baad acche se, I'm gonna take half a cup of butter and melt it. Remember, butter melt karne ke liye I'm using microwave. But dhyan rakhein ki usko har 5 second mein, 10 second mein nikal ke stir karte taki butter burn nahi hona chahiye aapka. It shouldn't become a brown butter thing. Agar aapko kuch bhi doubt hai, to aap chocolates ke liye double broiler ka setup use kar sakte hain. For your choco chips. तो बटर को डायरेक्टली ऐसे डालने की जगह यू कैन यूज डबल ब्रॉयलर जिसमें आप बटर और चॉकलेट चिप्स डाल के स्लोली स्टर करके उन्हें मेल्ट करें. दैट इज एन आइडियल केस, बट आई एम, एज आई सेड, दिस इज गोना बी एन ईजी क्विक रेसिपी. तो बटर मेल्ट करें.
ऑलराइट पीपल, सो आप लोगों ने देखा कि हाउ इजी इट वॉज, थोड़ा सा बस मिक्स करना है हर चीज को, जैसे कि जिस सीक्वेंस में मैंने दिखाया, एंड बैटर को पोर करने के बाद उसको टैप टैप टैप, एंड नाउ इट्स रेडी टू गो इन द अवन 350 डिग्रीज फारेनहाइट फॉर रफली 30 मिनट्स, बट मैं 30 मिनट्स के आसपास चेक करूंगा एंड आई विल सी इफ इट नीड्स मोर टाइम. Now it's all about the waiting game. तो brownie को होने में लगभग 25 to 30 minutes लगेंगे जब हम check करेंगे the traditional stick test कि कुछ चिपक के ना है उसमें. तो core is done. That is how you do it. So I guess मैं आप लोगों को मिलता हूँ roughly 30 minutes के बाद once the brownies are done. But before I go, let me show you what Marvel is doing. See, he actually he's lying over there. Look at him. He's lying like this with the pillow on his head. I know this is a food vlog, but that's why it's a vlog. ताकि मैं इसको casual रख सकूँ, आप लोगों से connect हो सकूँ, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ 30 minutes के बाद. Okay guys, so the brownie timer is almost gonna be done. 2 minutes बचे हैं brownie को बाहर आने में. तो मैंने उस time में क्या किया है? A little setup for cooling it down. तो मैंने यहाँ पे कूलिंग ट्रे लगा के रख दिया जिससे कि ब्राउनी ईजली और क्विकली कूल डाउन हो जाए. तो एक बार वंस द ब्राउनी इज डन आई विल डू अ टेस्ट एंड टेक इट आउट. मैं उसे कूलिंग ट्रे पे रखूँगा ताकि वो जल्दी से कूल डाउन हो जाए एंड देन वी विल सी द प्लेटिंग. एज यू गाइस नो, एक बहुत ही फेमस सेइंग है, एवरीबडी ईट्स विद देयर आईज फर्स्ट बिफोर दे एक्चुअली ईट इट, एंड दैट इज व्हाई प्लेटिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो एक बार जब ब्राउनी कूल डाउन हो जाएगी देन वी डू प्लेटिंग. ऑलराइटी माय पीपल, सो आई जस्ट डिड द टेस्ट एंड यू कैन सी द स्टिक इज प्रीटी क्लीन. जो थोड़ा बहुत दिख रहा है दैट्स ओके बिकॉज द रेस्ट ऑफ द हीट विल जस्ट टेक इट ऑफ. सो दिस इज व्हाट यू वांट. ओके, नाउ बिफोर यू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले ब्राउनी को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट ठंडा हो जाने दीजिए, अदरवाइज इट वॉन्ट कम कट रियली गुड. तो इसलिए आई एम गोना लेट इट कूल और उसके बाद वील कट एंड प्लेट. ऑल्सो आई रियली थिंक प्लेटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एलिमेंट है फूड का, एंड पीपल आर सो क्रिएटिव. मतलब आपके पास राइट डिश, राइट सर्विंग थिंग, सर्विंग डिश होनी चाहिए, और तो आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं. आई एम गोना डू समथिंग जो कि ईजी टू फाइंड इन एवरी हाउस, लाइक यू डोंट हैव टू गो एंड बाय स्टफ, बट स्टिल लुक्स गुड व्हेन यू प्रेजेंट इट टू समबडी. सो लेट्स गेट क्रिएटिव. ओके, तो ब्राउनी हो चुकी है ठंडी, इट्स कूल डाउन, और अब देखते हैं हाउ इट लुक्स. सो लुक एट द ब्राउनी एंड आई वॉन्टेड टू शो यू कि ठंडी होने के बाद इट हैज बिकम क्वाइट स्टिफ. स्टिक टेस्ट में अगर हल्का सा, बहुत ही स्लाइटली, जैसे मैंने दिखाया था कि हल्का फुल्का कुछ हो भी तो इट विल गो अवे आफ्टर द ब्राउनी कूल्स डाउन. सो उसको ओवर बेक मत करिएगा. इट इज सपोज टू हैव अ लिटिल फज, तो इस वजह से द स्टिक मे हैव अ लिटिल बिट, वेरी टाइनी बिट ऑफ इट. अब ब्राउनी को कट है. And time to look at the brownie. See how moist it is? Look at that. Andar se ekdam moist, upar se you have that little light brown layer, and the corners are really crisp. Okay, plating ke liye, I'm gonna do something simple. Ye jo कूलिंग रैक था इसी को यूज करने वाले हैं ऑन अ ब्लैक प्लेट, एंड आई एम गोना यूज अ सिफर, और सिफर से आई एम गोना डस्ट कन्फेक्शनरी शुगर. सो लेट्स सी. एंड
cleaning up the edges, very very important thing to do. And there it is. I am serving this with French vanilla, with dark chocolate syrup, confectionery sugar, and a chocolate fudge brownie. Like I said, presentation totally आप पे depend करता है, आपको कैसे present करना है. मेरे पास जो चीजें थी मैंने वो use करके present किया. You can be as creative depending on आपके पास क्या है. तो now it's time to taste. And you know, my inspiration is here, so I guess I'm gonna ask Tanya to taste this for me. Okay, Tanya is here, she's back from work, so she's gonna taste it for me. Like I said, I love to cook for her, and that is why in most of these videos you're gonna see that she tastes first and then I taste. So go ahead, babe. All right, the plate looks so pretty. Okay, she is trying it now. Take a bite of both of them together. Oh. Speechless. It's so good. The brownie has a perfect fudge. Oh, it's so good. And pairing it with the vanilla ice cream. Perfect. Good job. Very good job. I'm very proud of you. So let me taste it too. Just like she did. Okay. Hands down, like I said, the best chocolate fudge brownie you're ever gonna taste. So anyways, I hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. आप लोग ये ब्राउनी की रेसिपी ट्राई करें. आई होप आप लोग प्लीज़ ये ब्राउनी ट्राई जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो और ब्राउनी कैसी लगी. आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कीप कुकिंग फॉर योर लव्ड वंस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टुनाइट स्पेशल.